अगर आप कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका डिफ़ॉल्ट लॉन्चर उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है जितना कि आपको एक थर्ड पार्टी लॉन्चर में फीचर्स और कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग लॉन्चर सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि आपको ट्राई करना चाहिए, जो कि ये लॉन्चर में आपको ऐसा कुछ होम स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट ऐप्स, आपको फोल्डर और आपको विजेट्स का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अपने हिसाब से पूरा होम स्क्रीन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ग्रिड कॉलम से कुछ चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ऑप्शन इसमें। और आपका ऐप ड्रॉअर में आपको पूरा कैटेगरीज देखने को मिलता है, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया और आपका इंटरनेट हो गया और आपका गेम्स हो गया, सभी आपको ऐप्स जो है आपका कैटेगरीज में देखने को मिल जाए, कैटेगराइज ऐप्स इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास काफ़ी ऐप्स इंस्टॉल आपका डिवाइस में, ये काम आएगा। स्वाइप डाउन करने से आपका जो आपको देखने को मिल जाएगा आपका सर्च बार, जहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी का भी फ़ोन नंबर ऑनलाइन नहीं होता बट ऑफलाइन सब कुछ हो जाएगा। फिर आप होल्ड करके रखिए तो इसमें आपको जो आपका होम पेज, और स्वाइप अप कर दीजिए तो इसमें आपको जो है मतलब और भी ऑप्शन, जैसे कि आपका सेटिंग्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको वॉलपेपर, आपका वॉलपेपर में काफ़ी ऑप्शन है जो कि बाय आपका मतलब ये ऑनलाइन आप काफ़ी अच्छा वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएगा जो कि आपका अनस्प्लैश से लिया हुआ वॉलपेपर्स है। और आप ऑफिशियली मतलब इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको पता ही अनस्प्लैश में कितना वॉलपेपर्स होता है। और इसमें आपको स्मार्ट लॉन्चर का जो कि लॉन्चर्स का भी जो वॉलपेपर देखने को मिलता है, अपेयरेंस अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं थीम को, जो कि आप जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप इसका जो एक जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं। ब्लर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं बट उसके लिए आपको प्रीमियम परचेज करना होगा, या आपको सेकंड मेथड पता ही है कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आपको आइकन पैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आइकन को अपने हिसाब से जो कस्टमाइज कर सकते हैं उसका बैकग्राउंड, और फिर आपको जो ग्रिड प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलता है, फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन, फोल्डर्स, विजेट्स, सभी कुछ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और फिर आपको जेस्चर्स और हॉटकीज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है, जेस्चर्स अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, हॉटकीज़ भी अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ फीचर्स के लिए आपको प्रो वर्जन परचेज करना होगा बट आपको पता है कैसे आप प्रो वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, तो हाँ पे कर दीजिए चुपचाप हो जाएगा। और फिर आपको देखने को मिलता है ग्रिड प्रॉपर्टीज, जिसमें कि आपका स्टैंडर्ड, डेंस और डेंस प्लस देखने को मिलता है, जो कि आप जो भी आपको जैसा चाहिए वैसा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपका अपने हिसाब से ग्रिड और कॉलम्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और रोटेट ऑन प्लेसेस ये भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑप्शंस काफ़ी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और ये स्मार्ट लॉन्चर का नया अपडेट है जो कि आपका स्मार्ट लॉन्चर 6 है, पहले 5 का मैं शायद वीडियो पहले बना चुका हूँ, ये 6 है। ट्राई करके बताइए कैसा लगा आपको ये लॉन्चर। अगर आपको ये लॉन्चर पसंद आया, ट्राई करने का मन है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में ऑफिशियली मिल जाएगा। सर्च कीजिए स्मार्ट लॉन्चर 6 या स्मार्ट लॉन्चर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, यानी तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्टली वन टैप से डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्ट लॉन्चर 6। डाउनलोड कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको ये लॉन्चर, जो कि मेरे को लगता है बेटर है आपका MIUI का डिफ़ॉल्ट लॉन्चर से। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली तो आपको शायद बेटर लगेगा, बट हाँ एनिमेशन स्पीड जो है ये सब काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है MIUI का लॉन्चर में, और पोको लॉन्चर से तो बेटर है, ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए जाओ डाउनलोड, मतलब वीडियो पसंद आए लाइक करो, ऐप पसंद आए डाउनलोड करो, वीडियो को और भी फैलाना है, किसी को बताना है तो जाओ नीचे शेयर बटन है, शेयर करो, नीचे कॉमेंट करो, कुछ भी सजेस्ट करो, लिखो बस लिखो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी टैप करो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिल जाए, या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।